इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। करीब 7 वर्ष पूर्व बेटे की सड़क हादसे में मौत होने के बाद इंदौर के सुखलिया क्षेत्र के रहने वाले गोविंद महाजन ने संकल्प लिया कि वह अपने बेटे की याद में गरीब और जरूरतमंद लोगों की विभिन्न तरह से सेवा करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने संदेश परोपकारी फाउंडेशन बनाया, जिसके तहत विभिन्न सेवा कार्य वह कर रहे हैं। जहाँ उनके बेटे संदेश महाजन के सप्तम पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए मेदांता हॉस्पिटल के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे की याद में हर वर्ष पौधारोपण भी करते हैं। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में फिजिशियन डॉक्टर्स के साथ ही न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स सहित तमाम चिकित्सा विशेषज्ञ मौजूद रहे। लवकुश आवास विहार में हुए स्वास्थ्य शिविर में मुख्य रूप से पार्षद राजू भदौरिया भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि महाजन अलग अलग तरह के सेवा कार्य निशुल्क रूप से लगातार करते हैं, जो सराहनीय कदम है। ये हमारे गोविंद महाजन जी हैं, वो बहुत ही सोशल वर्कर हैं और उनका बेटा जिसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन कम उम्र में उसका एक बहुत अच्छा सर्कल था, वो हमेशा सोशल एक्टिविटी में बहुत आगे रहता था, जिसका नाम था संदेश, जो हमारे बीच में नहीं है। हम संदेश की याद में उनके पापा हमेशा ऐसा मानते कि मेरा बेटा, ये जो कार्य हम कर रहे हैं इससे मेरा बेटे के परोपकार है, उन्हीं के सिद्धांत पे मतलब हमारे गोविंद महाजन जी उस चीज़ को कंटिन्यू जन सहयोग कर रहे हैं, जनता की सेवा के रूप से करते हैं। हर साल हमारे गोविंद महाजन जी स्वास्थ्य शिविर चलाते हैं। अभी जो हमारे पास में सरकारी स्कूल है उसमें काफ़ी किताबें बांटी है सारे बच्चों को इन्होंने, और अभी वृक्षारोपण करेंगे। मतलब बेटे को याद करके वो अपने आप में जीवित ताकत से कैसे हम जी सकते हैं, क्योंकि बेटे की याद भुलाना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन ये हर साल अपने पास अपने बेटों को समझते, ऐसा लगता है कि इनका बेटा इनके पास में, इस याद के साथ ये कार्यक्रम करते हैं। हमारे गोविंद भैया मतलब पल पल में संदेश के नाम से कुछ ना कुछ पर डे करते हैं, इसी का रूप है ये कार्यक्रम आज। ये मेरे बेटे के सप्तम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये स्वास्थ्य सेवा का आयोजन रखा गया है। 2016 में 100 एम्बुलेंस के द्वारा उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी डेथ हो गई थी। तो हम हर साल जो है उसके नाम का एक हमने फाउंडेशन बना रखा है, संदेश परोपकारी फाउंडेशन। वो फाउंडेशन के माध्यम से जितनी भी सेवा कर सके हम लोग, स्कूल में हो, कॉपी किताब हो, या स्वास्थ्य रिलेटेड हो, मतलब किसी की कोई भी परेशानी हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो यही काम करता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ता था वो गरीब बच्चों की फीस भरता था, मतलब परोपकार का काम करता था, उसका एक ही उद्देश्य था, पैसा लेके जाता था, काम ही करता था, बस उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है उसको अपने यादों में स्मरण रखने के लिए बस इसका हम लोग आयोजन हमेशा करते रहते हैं। सर, कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध है और क्या क्या सेवाएँ मिल रही है? यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल इंदौर जो है उनके माध्यम से ये स्वास्थ्य शिविर का पूरा आयोजन रखा गया है। यहाँ पूरी निःशुल्क जांच करा रहे हैं, निःशुल्क चश्मे का वितरण किया जा रहा है, इसमें आँखों की जांच है, आर्थोपेडिक है, सभी टाइप के सर्जन से आए हुए हैं, ईसीजी होती है, मतलब ईसीजी है, मतलब जितनी भी जांचें हैं लगभग वो सब निःशुल्क की जा रही है। कितने लोग लाभ ले सकेंगे, क्या लक्ष्य है, क्या कुछ की? मतलब हमारा एक लक्ष्य था कम से कम यहाँ पर 1,000 लोग को लाभ मिले, क्योंकि इसके लिए हम कम से कम 15 दिन से प्रयास कर रहे थे, पूरा एडवर्टाइजमेंट करना, कंप्लेंट बंटवाना, मतलब जितनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितना मैक्सिमम लाभ हम लोगों को दे सके। कौन कौन से क्षेत्र के लोग लाभ ले रहे हैं? लगभग यहाँ से श्याम नगर, सुंदर नगर, वीणा नगर, गौरी नगर, पूरा टोटल सुखलिया, काशीपुरी, मतलब ये पूरा क्षेत्र जो है इसमें पूरी हमने मतलब कोशिश की ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग घर से बाहर निकले और हम उनकी सेवा कर सकें। आपका परिचय? मेरा नाम गोविंद महाजन है और मेरे बेटे के नाम से संदेश परोपकारी फाउंडेशन का हमने एक आयोजन मतलब एनजीओ बना रखा है, जिसके माध्यम से ये सब करते रहते हैं।